नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी सामने आ रही है। अब तक कोरोना देश लाइव में आपको बता दूं कि 70 लाख से पार केस पूरे भारत में हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर सही हुए लोगों की संख्या 74,983 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। कोरोना के नए केस में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन पिछले 24 घंटे में आए नए केस के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 70 लाख को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 74,383 नए केस सामने आए हैं, जबकि 918 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 24 घंटों में नए कोरोना केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने 70,53,807 हो गई है। शनिवार की बात करें तो देश में 73,272 नए केस सामने आए थे, जबकि 926 मरीजों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 60,77,977 लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि देश के अलग अलग अस्पतालों में 8,67,496 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़ के अब 1,08,334 हो गई। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 10,78,544 कोरोना जांचें की गई है। 12 जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। जी हाँ, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हुई है। साथ ही आपको बता दूं, इस भिड़ंत के अंदर दिलकुश मेहता पुत्र रामविलास मेहता निवासी गुलखेड़ी घायल हो गया। आपको बता दूं कि गांव टांचा ग्रामीण की सहायता से इसे छीपा बड़ौद अस्पताल में पहुंचाया गया। जी हाँ, छीपा बड़ौद अस्पताल में पहुंचाया गया है। साथ ही वहां पर डॉक्टर ने गंभीर हालत बताते हुए उसे रेफर कर दिया। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव में 560 वार्डों में दो फेज में वोटिंग रखी गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 3 नवंबर को इसके नतीजे भी आपके सामने आ जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के 6 नव गठित नगर निगमों जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के सभी 560 वार्डों में होने वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सभी निगमों में सदस्यों के पदों के लिए 2 चरणों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान और 3 नवंबर को मतगणना करवाई जाएगी। साथ ही साथ जबकि महापौर का चुनाव 10 नवंबर और उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को करवाया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही जयपुर, जोधपुर, कोटा में आचार संहिता भी लागू हो गई है। तीनों जिलों में तबादले पर भी रोक रहेगी। साथ ही साथ तीनों जिलों में आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान प्रभावी होंगे। नए सरकारी कामों की घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन पर रोक रहेगी। आपको बता दूं, मंत्री सरकारी गाड़ी से प्रचार में नहीं जा सकेंगे। साथ ही तीनों जिलों से जुड़ी कोई सरकार योजना की घोषणा नहीं हो सकेगी। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दूं कि नव निर्वाचित सरपंच व उप सरपंचों का गली मोहल्लों में किया जा रहा है स्वागत सत्कार। जी हाँ, नव निर्वाचित सरपंच व उप सरपंचों का गली मोहल्लों में स्वागत सत्कार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं, ग्राम पंचायत कल्लावास सरपंच मिश्रीलाल महावर का ग्राम पंचायत घोड़ा कटला सरपंच कैलाश चौधरी ने पुष्पमाला पहनाकर व साफा बंधवा करके सम्मान किया है। साथ ही साथ पंचायत ग्राम पंचायत कल्लावास उप सरपंच धर्मेंद्र कुमार शर्मा उर्फ बिल्लू भाई का भी पुष्पमाला व साफा बंधवा करके स्वागत सत्कार किया गया। आपको बता दूं कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तेज सिंह सहरा बांदीकुई ने भी सरपंच व उप सरपंच का स्वागत सम्मान किया। रामजीलाल गौतम घुड़ाकटला ने भी सरपंच व वार्ड पंचों का स्वागत सत्कार किया है। साथ ही साथ गांव की सरकार का जगह जगह किया जा रहा है स्वागत सत्कार। आइए एक नजर डालते हैं IPL की ओर। आपको बता दूं कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। बॉलीवुड में बाजीगर का किंग यानी शाहरुख खान वह माने जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि IPL के अंदर उन्हीं की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब को हरा करके यह ताज उनके सर पर कायम रखा है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं,
बॉलीवुड में यह डायलॉग किन खान के नाम दर्ज है, और अगर बात आईपीएल की हो तो उनके इस डायलॉग को मैदान पर उनकी ही टीम आजमा रही है, वह भी एक बार नहीं बार बार। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को एक बार फिर ऐसी जीत दर्ज की जिसकी उसके प्रशंसकों ने भी शायद कल्पना नहीं की हो। उसने एक बेहद रोमांचक मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को 2 रन से हराया है। केकेआर के नाम से लोकप्रिय कोलकाता की इस टीम ने 7 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराया था। आईपीएल 2020 में अब तक 25 मैच हो चुके, इनमें से कई मैच रोमांच की चरम तक पहुंचे हैं तो कई मैच टाई भी रहे जिनके नतीजे के लिए सुपर ओवर खेले गए। रोमांच के चरम के बीच 2 मैच ऐसे भी हैं जिन्हें उलटफेर के लिए जाना जाएगा। इनमें एक टीम ने लगभग हारी हुई बाजी को पलटकर खेल अपने नाम कर लिया था, वह टीम केकेआर है। इसलिए इरफान पठान जैसे दिग्गज तक यह कहने लगे कि मजबूत हो गए कि हार जीतने वाले को केकेआर कहते हैं। दौसा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि पुजारी को जिंदा जलाने की घटना, जिले में फैला है आक्रोश। जी हाँ, दौसा जिले में पुजारी को जिंदा जलाए जाने की घटना से जिले में आक्रोश फैलता हुआ नजर आया है। आपको बता दूं कि करौली जिले में सपोटरा तहसील के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने की घटना से प्रदेश में रोष व्याप्त है। जी हाँ, यह घटना करौली जिले की है। साथ ही साथ उपखंड मुख्यालय रामगढ़ बछवाड़ा पर ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन भी दिया है। आपको बता दूं, ब्राह्मण समाज ने दोषियों को कड़ी सजा व मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की। साथ ही साथ पुजारी की घटना को लेकर के ब्राह्मण समाज ने निंदा भी की है। जी हाँ, ब्राह्मण समाज ने निंदा की है। साथ ही साथ आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर सजा दिलाए जाने की मांग भी की गई। आपको बता दूं, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग है। जी हाँ, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की भी मांग है। साथ ही ज्ञापन में पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी भी दिए जाने की मांग की गई। आपको बता दूं, ज्ञापन में तुरंत कार्रवाई करने की मांग करवाना प्रत्येक उपखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दूं कि ज्ञापन के दौरान विकास शर्मा, प्रमोद शर्मा, विशाल कटारा, संतोष शर्मा, रोहित शर्मा, मोनू पुजारी, अंकित कटारा, जुगल किशोर व महेंद्र शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के युवा मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दूं कि 12 जिले में मांगों को मानने के बाद में जूस पिलाकर के आमरण अनशन खत्म किया गया। किशनगंज उपखंड कार्यालय पर 3 दिन के आमरण अनशन के बाद प्रशासन द्वारा मानी गई मांगे। आपको बता दूं, तहसीलदार ने जूस पिलाकर के आमरण अनशन को खत्म करवाया है। साथ ही साथ उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए अपने आदेश के 6 वर्ष बाद भी न्याय नहीं मिल पाने से परेशान होकर समाज से भी लोगों द्वारा करना पड़ा था आमरण अनशन। कस्बे के मार्ग किनारे लगी मांस मछलियों की दुकानों को हटाने को लेकर 3 दिन से किया जा रहा था किशनगंज उपखंड कार्यालय के सामने आमरण अनशन। शनिवार को तहसीलदार जगमोहन शर्मा ने आमरण अनशन करने वाले व्यक्तियों से वार्तालाप कर उनकी मांगों को मान करके कस्बे में लगी सभी मांस मछली मुर्गों की दुकानों को कस्बे से स्थायी तौर पर हटाने के आदेश दिए गए और कभी भी कस्बे में इन दुकानों को नहीं लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे सभी 5 व्यक्ति जिनमें मदनलाल शाक्यवाल, पन्नालाल शाक्यवाल, भैरूलाल मेघवाल, राजू मेघवाल, दुलीचंद प्रजापति को तहसीलदार ने जूस पिला करके अनशन को खत्म करवाया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा 12 अक्टूबर से करेंगे जन सुनवाई। जी हाँ, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा 12 अक्टूबर से करेंगे जन सुनवाई। साथ ही साथ लालसोट नगर पालिका में 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे होगी जन सुनवाई। जी हाँ, जन सुनवाई का समय 12 बजे रखा गया है। आपको बता दूं कि 12 अक्टूबर को ही शाम को 4 बजे करेंगे मंडावरी नगर पालिका में जन सुनवाई। साथ ही उद्योग मंत्री 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लालसोट पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई भी करेंगे। जी हाँ, पंचायत समिति लालसोट में 12 बजे भी करेंगे जन सुनवाई। साथ ही साथ उद्योग मंत्री 13 अक्टूबर को ही SDM कार्यालय रामगढ़ पचवारा में भी जन सुनवाई करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि राजपुरा पातलवास में नव निर्वाचित सरपंचों का स्वागत सम्मान किया गया। आपको बता दूं कि पंचायत समिति तुंगा की हॉट सीट माने जाने वाली ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास से सरपंच पद के 20 प्रत्याशी मैदान में थे। 10 अक्टूबर को हुए चुनाव में राजपुरा पातलवास से सरपंच पद पर देवकी शर्मा ने जीत हासिल की है।
11 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव कर विष्णु कुमार शर्मा को निर्वाचित किया गया। सभी ग्रामवासियों ने सरपंच देवकी शर्मा, उप सरपंच विष्णु कुमार शर्मा व सभी वार्ड पंचों का माला पहना करके स्वागत किया। वार्ड पंच कमलेश कुमार शर्मा, नारायणी देवी, चौथी देवी, बनवारी लाल महावर, गीता देवी आदि वार्ड पंच विजयी हुए हैं। साथ ही रामपुर प्रजापत को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। आइए एक नज़र डालते हैं राजस्थान की ओर। आपको बता दूं कि फार्म बिल के खिलाफ में दोबारा से नया कानून ला सकती है गहलोत सरकार। जी हां, फार्म बिल के उसमें वह बदलाव कर सकती है। आइए एक नज़र डालते हैं कि गहलोत सरकार क्या क्या बदलाव कर सकती है। केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास कर उसकी जगह राज्य के प्रावधान लागू करने मामले में राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी। राज्य सरकार इस मामले में जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने जल्द विधानसभा सत्र बुलाने के संकेत भी दिए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी चाहती है कि राज्य सरकारें सोचे कि किस प्रकार से हम जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है उस पर केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है उसको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम लोग उनके सुझाव पर विचार करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हम चाहेंगे विधानसभा बुलाकर वहां पर डिस्कशन किया जाए, विधानसभा के अंदर खुलकर भी बातचीत की जाए। साथ ही जो कानून बनाए गए हैं राष्ट्रपति की उस पर छाप लग चुकी है। हम चाहेंगे कि पूरा परीक्षण करवाएं कि किस प्रकार से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। IPL के रोमांच में आपको बता दूं कि धोनी ने लगाया T20 करियर का 300वां छक्का। विराट को चीयर करती दिखी अनुष्का। KKR के लिए फिर लकी साबित हुए शाहरुख। नागौर के लाडून में अज्ञात कारणों के चलते सेना में हवलदार किशन राम की मौत। आपको बता दूं कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची निम्बी चौकी पुलिस। पुलिस ने शव को रखवाया है मोर्चरी में। जोधपुर के अंदर लोहावटी में मारपीट में घायल व्यक्ति ने तोड़ा दम। इलाज में दौरान देर रात MDM अस्पताल जोधपुर में हुई है मौत। लोहावट के राजाला गांव में दो दिन पूर्व व्यक्ति के साथ हुई थी मारपीट। कोरोना देश में आपको बता दूं कि 15 दिन में दूसरी सबसे बड़ी रिकवरी। 90,000 मरीज ठीक हुए हैं और एक्टिव केस भी घट करके 8.67 लाख पहुंचे। अब तक 70.51 लाख केस। बेंगलोर ने कल चेन्नई को 37 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ CSK की सबसे बड़ी हार। बेंगलोर पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में। कोहली के IPL में 38वीं 50।